शशिकला को जेल के बाद तमिलनाडु में नए सीएम बनेंगे पलनीसामी, जल्द होगा शपथ ग्रहण। पलनीसामी के साथ थे 5 समर्थक, बाकी विधायक अब भी रिजॉर्ट में मौजूद। पलनीसामी राज्यपाल को देंगे समर्थक, विधायकों के हस्ताक्षर, 124 विधायकों के समर्थन का किया है दावा। उधर जेल में कैदी नंबर 9435 बनी शशिकला, दो दूसरे कैदियों के साथ साधारण सेल में बंद। शशिकला को जेल में बनानी होंगी मोमबत्ती और अगरबत्ती, हर रोज मिलेंगे 50 रुपए, पहनने के लिए मिलेंगी 3 साड़ियां। छोटी बहू के लिए अखिलेश भी करेंगे प्रचार, कल डिंपल ने की थी जनसभा। आज हरदोई में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे विजय शंखनाद रैली, बाराबंकी फैजाबाद हाईवे पर जायदपुर बाईपास पर भी सभा। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, अमेठी में भी शाम को जनसभा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी उत्तर प्रदेश में रैलियां, सीतापुर और उन्नाव में देंगे भाषण। यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी आज करेंगे धुआंधार दौरा, मैनपुरी, कन्नौज और इटावा में रैली को करेंगे संबोधित। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी के बागी उम्मीदवार श्रवण कुमार का गंभीर आरोप, पैसे लेकर कन्हैया निषाद को दिया गया टिकट। निषाद पार्टी के संयोजक राधेश्याम निषाद का बयान, सदस्यता लेते ही 60 लाख रुपए में केशव प्रसाद मौर्य ने दिया टिकट। आजमगढ़ में बेटे के लिए वोट मांगते हुए भी भावुक हो गए संग्राम यादव, बहते आंसुओं के साथ समर्थन की गुहार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एफआईआर, हरियाणा कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने लगाया हमले का आरोप, SC/ST एक्ट के तहत केस। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया आदेश, गरीबों को सब्सिडी रेट पर 10 रुपए में दें खाने का पैकेट। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में फेरबदल तय, महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी कोटा के 2 खाली पड़े बर्थ को भरने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है बदलाव, बीजेपी का हिस्सा जस का तस। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग के सामने रखी मांग, 16, 20 और 21 फरवरी को सामना के प्रकाशन पर लगे बैन। सामना पर बैन की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे का तंज, इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी का आरोप लगाने वालों से मेरा सवाल, क्या ये नहीं है इमरजेंसी? महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने उठाई मांग, उद्धव करे अपनी संपत्ति का खुलासा, शीशे के घर में रहने वालों को दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।